गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं फाल्गुनी, मैं हरीश। हमारी चैनल फलहार नुमार्स में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सब लोगों ने हमारे वेल लाइफ इन इंडिया के दो वीडियोस को बहुत ही सराहा, बहुत ही कमेंट्स आए, इसका मतलब कि आपको ट्रैवल बहुत ही पसंद है। तो आप कैसे ट्रैवल करना पसंद करते हैं? क्या आप अकेले ट्रैवल करना पसंद करते हैं, या फिर अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, या फिर अपने पेट डॉग के साथ? जो भी हो, लेकिन अपनी खुद की कार में ट्रैवल करने का मजा ही कुछ और है। सही बात है, लेकिन कैसे? इसके लिए हमें चलना पड़ेगा वैन लाइफ इंडियन कपल चैनल के रुचि और कर्नल दीपक के कैंपर वैन में, और उन्होंने फोर्स ट्रेवलर 3350 में अपनी ड्रीम कैंपर वैन बनवाई है। तो चलो देखते हैं उन्होंने कैसे ये सब करवाया है। चलिए फिर। हाय रुचि, हाउ आर यू? हाय फागुनी। तो आपका घर इतना ब्यूटीफुल है, बाहर से ही इतना सुंदर दिख रहा है, तो रुचि आप क्या हमें आपका ये वैन टूर करवाएंगे, दिखाएंगे क्या? चलो प्लीज। थैंक यू। अरे वाह, यहाँ तो फुल फ्लेज किचन है, घर जैसे ही फील आ रही है बिल्कुल। तो आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए, आपको किचन में क्या क्या लगा है सब कुछ? अच्छा, एरिया से फर्स्ट दिस टू बर्नर गैस स्टोव, जिसको हमारे पास 5 केजी का एलपीजी सिलेंडर है, नीचे रखा हुआ है। आरओ वाटर टैप ऊपर पे, ऊपर टैप है यहाँ ऊपर। अच्छा, वहाँ पे आरओ वाटर है। अच्छा, दिस ये फ्रेश वाटर वाला, एंड दिस वन इज आरओ, आरओ का। तो उसका कहाँ से पानी आते है आरओ में? टंकी, पानी की टंकी, की टंकी भाई अंडरनीथ है। अच्छा, वैन के बिलो द वैन। ओके, हम लोग यहां ये मोटर में 12 वोल्ट मोटर लगी हुई है, स्विच इट ऑन। ओके, 12 सर्कुलेट होता है, तो वहीं से ये वॉशरूम में भी अभी प्रेशर सोप डिस्पेंसर फॉर वॉशिंग, बर्तन धोने के लिए, और ये वाला हैंड वॉश। बढ़िया, तो कोई बॉटल कुछ यहां वहां रखने की जरूरत ही नहीं, बस इसके अंदर ही सिंक है, अभी तो इट्स टू डर्टी आई थिंक। सो बिग, या सो आप अपने पूरे दिन के बर्तन भी रख लो तो भी एक साथ सब हो जाएंगे। तो इसीलिए रखा हुआ है उसके अंदर। एंड ये हो गया, इसलिए हम ये हमारा यूटेंसिल वाला ड्रॉअर है पूरा अभी तो नॉट ऑर्गेनाइज्ड। अच्छा, सारे आ जाते हैं बर्तन इसमें? हाँ, जो डेली हम यूज करते हैं, तो इट कम्स। वैसे कितने पर्सन की आप कुकिंग करते हैं रोज? दो, यूजुअली 2 to 4 गेस्ट आ गए तो किड्स आल्सो, बट अभी तो इस बार हम किड्स को लेके नहीं आए। अच्छा, फ्रिज है 58 लीटर का जो अभी हमने इसको फ्रीजर बनाया हुआ है। ओके, एंड सो व्हाट डू यू यूजुअली स्टोर इन इट, यूजुअली द फ्रीजर? हां, विद नॉन वेज एंड ऑल। ओके, दिस इज आवर, यस, इसको कट। So, सारी कटलरी यहीं पे रह जाती है। तो ये हमारा एक छोटा सा किचन, ये एक एक्सटेंडेबल टेबल है। अच्छा, तो अभी ये पूरा एक्सटेंड हो गया पराठे बनाने में। हाँ, पराठे बनाती हूँ, रोटी तो बनाती हूँ, पूरा किचन टॉप हो गया। हाँ जी, वर्किंग स्टेशन एंड किचन वॉशिंग, एंड दीज आर आर चीनी, चाय पत्ती, इंडियन स्पाइसेस, जिसके बिना कुकिंग नहीं होती। दिस इज आवर ब्रेकफास्ट सीरियल्स एक्चुअली। अच्छा, अभी हाँ, अभी तो हनी लगा है, मखना। हाँ, दिस राइस एंड दाल, वो आटा, अदरवाइज वी यूज टू कीप साबूदाना। अभी जब बच्चों के संग नहीं आया ना, तो इसलिए आपके हिसाब से रख दिया। हाँ, मेरे बच्चों के साथ जो वो खाते हैं, जो उनके मेन्यू सेट है, हाँ, देन इट इज देयर। ये माइक्रोवेव, अभी प्लीज आप हेड बिछाएं, दिस इज द माइक्रोवेव। अभी तो हमने, और ये सब कुकिंग को इसका धुआं इतना होता है, तो उसको एग्जॉस्ट के लिए, दिस इज आवर एग्जॉस्ट फैन, एग्जॉस्ट भी होता है, और इधर वाला बटन से हवा भी आती है, फैन कम एग्जॉस्ट। ये तो सही है,
हाँ दिस इज ए सी हाँ ये भी ए सी है ए सी तो चाहिए इंडियन समर में आप आ गया तो क्या करना इसको नीचे उतारना है दो डबल बेड है ना हमारा हाँ। एक बेड ये एक बेड ऊपर आता है अच्छा तो ये भी मतलब हमारा सोफा कम बेड है दिस अच्छा, जो ये एरिया आप देख रहे हो यहाँ पे हमारा एक एक्सटेंशन है वो इसके ऊपर फिट हो जाता है सो फॉर टू पीपल दिस बेड एंड इसके ऊपर जो है फॉर किड्स वी हैव मेड दिस इज कमिंग डाउन सो फॉर पीपल हाँ कैन कंफर्टेबली आप थोड़ा इधर आ जाइए धीरे से ये हो गया ना ऊपर करो उधर भी ब्लॉक नहीं है ना नॉट इज कमिंग डाउन तो बच्चे ऊपर सोते हैं हम लोग नीचे सोते हैं उनको तो टीवी चाहिए और प्लेस्टेशन चाहिए अपना बस तो टीवी इज देयर फॉर देम वैसे बहुत कंफर्टेबल है बहुत ही सॉफ्ट घर जैसे ही सॉफ्ट हाँ और ये हमारी पैंट्री दिस इज द पैंट्री फॉर एक्स्ट्रा दाल सब्जी मसाला हाँ जी हाँ दिस इज पैंट्री और ये थोड़ा ये टॉयलेट्रीज क्या रखा हुआ है अच्छा हाँ जी और वी हैव अ स्टोरेज इनसाइड दिस तीनों बॉक्स में हाँ हाँ फुल अप नहीं इसको उठा के होता है एक्चुअली कोई बात नहीं हाँ इसको उठा के देन उसका बाहर से है आप इसे बाहर से आप पुल आउट करिए दिस वन पुष्कर ने किया था कैंप विवेक जी वहाँ हम चारों थे विद थ्री डॉग्स ओह विद थ्री डॉग्स ओह वाओ दिस टाइम वी टू आर देयर विद वन डॉग दैट्स ऑसम ठीक है तो आप बाथरूम देख हाँ हाँ इसमें भी एक वेंट है ऊपर बट दिस इज विदाउट द फैन अच्छा यहाँ से पूरा खुल जाता है खुला हुआ ये भी आपको दिखाई देगा इट्स ओपन बाकी जो जितना वेस्ट है वो नीचे रहता है अच्छा क्लीन वाटर ऊपर आके फ्लश होता है अच्छा एंड हमारा टैंक फुल नहीं होता इतना जल्दी तो 5 लीटर हम पहले से पानी भरते हैं एंड देन क्लीन वाटर देन जो बेस जो भी है तो वो वापस वो क्लीन ऊपर वाटर वही अच्छा एंड इसके नीचे हमने एक ब्लैक टैंक भी लगाया फॉर अभी एक्स्ट्रा इफ वी आर नॉट एबल टू डिस्कम्पोज इट कहीं नहीं कर दे यहां पे तो इसलिए अच्छा डिस्पोज नहीं कर पा रहे हैं हम अगर इसको तो हमने फिर सोलर पैनल हां जी तो पूरा सोलर पैनल का है 12 डीसी 12 मोटर मेन लाइट बेड लाइट एसी किचन गीजर टीवी लाइट टीवी आर के बिल सबके आराम से चल जाएगा अच्छा तो ये क्या आई फ्रो इंडियन ब्रांड है आई थिंक ओके सर भाई हमें मोबाइल भी चाहिए कुछ यूट्यूब में रेसिपी चाहिए तो यह हाँ जी कुछ चार्ज हो रहा है यूएसबी पोर्ट्स भी हैं हाँ वही मैं देख रही हूँ तो ये सही है दिस इज आवर स्वर्ल सीट ये पूरा वही टर्न हो जाता है एंड इसके नीचे हमने वो इन्वर्टर एंड बैटरी पूरा इसके नीचे फिट इसके नीचे ही इस पूरा बॉक्स है। में हाँ अच्छा। और उसके ऊपर ये सिस्टम ये लगा दिया है स्वर्ल करने का सीट तो बैटरी इन्वर्टर है तो ये अच्छा आइडिया है दो एसी है अच्छा दो एसी है हाँ ये तो अपना घर वाला एसी हो गया हाँ, दिस इज कार बिकॉज़ सिंस इस गाड़ी में एसी लगा हुआ नहीं आता है तो इसको हमने एक्सटर्नल एसी कॉर्ड लगाया अच्छा तो माइक्रोवेव एंड एग्जॉस्ट एंड ऑल द लाइट्स तो इतना पावर कंजप्शन जो होता है आपका तो ये सब आपको क्या मिल जाता है ऑनथर को मैम इलेक्ट्रिसिटी कैसे है वी गॉट टू सेटअप हमारे इलेक्ट्रिसिटी का पहला सेटअप है हमारा सोलर पैनल्स हमारी छत में दो सोलर पैनल लगे हैं 380 वॉट के
ये सीट के नीचे दिखाना। हाँ, दिस वन वी गॉट अ इन्वर्टर, दिस इज 2 केवी इन्वर्टर विद अ लिथियम आयन बैटरी व्हिच इज 2000 वाट। सो दिस टेक केयर ऑफ, ओके, दिस टेक केयर ऑफ एटलीस्ट 2 डेज रिक्वायरमेंट। अगर हम बड़ी चीज चलाते हैं जैसे माइक्रोवेव, तो ये हमारा वी गॉट जनरेटर हियर, यू कैन सी इट्स स्मॉल जनरेटर। अच्छा, दिस इज 2 केवी जनरेटर and we have fixed it here only, we can remove it also. HKG ka hai, ha, acha, and it's very effective, it's 4-5 ghante chal jata hai hamara, ye 4-5 ghante chal jata hai. वॉटर हीटर है लेकिन अभी हमने we have removed this for timing. इधर था मतलब, हाँ, ये वॉटर हीटर यहाँ लगाया था, अभी हमने निकाल के आए, this was set up for water heater. अच्छा, वो लीकेज हो रहा था उसमें एकदम से ना, वो छोटा वाले में, हाँ हाँ, ये इंस्टेंट वॉटर हीटर। अच्छा, इंस्टेंट 1 kV ROB 12 V है ना। हाँ, अच्छा, ये RV और ये जो एक कॉन्सेप्ट है हमारे इंडिया में काफी नया है, ज्यादातर हम ऐसे देखते नहीं है। लोग ट्रैवल करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा होटल में रुक जाते हैं, अब तो होम स्टे भी मिलते हैं, एयरबीएनबी मिलता है, कई सारी वेबसाइट है जो प्रोवाइड करती है, लेकिन ये आरवी में रहने का और ऐसा बिल्ड करने का आपको कैसे ख्याल आया? एक्चुअली ट्रैवलिंग तो हम बहुत पहले से करते थे, तो बट उस टाइम बस सफारी में करते थे विद किड्स एंड उस टाइम पर 1 dog था, बट नाउ सिंस आवर जर्नी एंड किड्स आर ग्रोन अप देन लॉकडाउन केम एंड वी वर नॉट एबल टू कम, कहीं जा ही नहीं पा रहे थे, तो देन वी just was just searching on YouTube or something, so then we saw RV culture of western countries so usko dekh ke humne socha nahi we should also make an RV, so us soch ke bahut planning kari humne ki ghumne jayenge to we will be at least koi hotel nahi lena padega, khana hum apna home food, par वैसे भी corona ka time aa gaya to safe rahega actually, and kids were also there, तो हमने भी सोचा कि चलो इस बार हम निकल तो पाएंगे, otherwise with covid की वजह से हम कोई होटल रहने में भी रहेगा, हाँ तो नहीं मिला, तो ये काफी सेफ है, हाँ, but we हमने से बहुत YouTube videos देखे हैं बहुत ज्यादा वेस्टर्न कंट्रीज के, वहाँ से बहुत आइडियाज पिकअप किए, देन उसको पर इम्प्लीमेंट कराना वहाँ यूट्यूब में देखना और एक्चुअल में इम्प्लीमेंट कराना, वो भी सामान जो वहाँ मिलता है यहाँ पे मिलता नहीं है, क्योंकि उनका वो हर चीज उनके लिए वो बना हुआ है कि, और वो भी है वो लोग तो अपने आप सब कर लेते हैं, उसके घर में ही गैरेज रहता है, सब टूल्स रहते हैं, अपने आप ही सब कुछ करते है, जो यहाँ पे थोड़ा लिमिटेशन रहता है, हम नहीं करते, हमें किसी से करवाना पड़ता है, तो जब किसी से करवाना पड़ता है तो वो कैसा करेगा और हम क्या चाहते हैं, हाँ, उसको तो समझाना, इसलिए डेली मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, तो इसलिए हमने अपने घर के बस पास में ही इसे खड़ा करके अपने कंपाउंड के अंदर ही खड़ा करके सारे वर्कर्स को घर में बुलवा के अपने सामने करवाया का। अच्छा, सबको आपने घर पे बुला, हाँ, लिया, ओनली जो एक्सटर्नल वाला वर्क था, जैसे ये ग्लासेस हमने चेंज करवाया एंड स्वर्ल सीट, वैसा काम हमने बाहर करवाया, वी हैव टू सेंड डेली भेजा उसको, लेकिन जितना भी इंटरनल वाला काम है, जिस ये सब हो गया, ये सब कारपेंटरी हो गई, इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, इंसुलेशन, देन एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ अस, तो डेली मॉनिटरिंग मॉर्निंग इवनिंग, मतलब यू यूज्ड टू उनके लिए भी एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस हुआ होगा, हम भी बना सकते हैं, उनको भी कॉन्फिडेंस आ गया, तो एवरीथिंग वाज इन फ्रंट ऑफ अस, दैट्स ग्रेट, वो जो जो हमें आइडियाज बता गए, तो उनके से हमको हमें पेंट्री बनाना है, तो इसके लिए हमें इतनी स्पेस चाहिए, इंच बाय इंच एंड फर्स्ट हमने सारा सामान खरीदा, उसके बाद हमने फिर बिल्ट अप स्टार्ट किया, लाइक सिंक वी हैव बॉट, फिर वो हॉब रखा, उसके हिसाब से हमने ये मेजरमेंट, उसके हिसाब से सब सेट किया, बनाना जरूरी था बिकॉज़ हमारे सामने सामने सब कुछ होता रहे, हाँ वही। तो रुचि जी, आप तो कल जा रही है, हाँ जी, और हम तो अभी 3-4 दिन रुकने वाले है, हमें तो अच्छा नहीं लगने वाला है, तो आप कब लंबा ट्रैवल करेंगे हमारे साथ? वी आर वेटिंग फॉर 5 more years, माय एल्डर सन इज इन 12th क्लास एंड यंगर सन इज इन 8th क्लास, वी आर वेटिंग कि उसका 12th हो जाएगा, 12th हो जाए, बस देन वी विल जस्ट सेटल देम डाउन एंड देन वी आर फ्री टू रोम, ओह, वी आर प्लानिंग टू एक्सप्लोर, फर्स्ट एक्सप्लोरिंग इंडिया, देन वी विल ट्राई टू एक्सप्लोर फॉरेन कंट्रीज आल्सो इन दिस आरवी, इन दिस आरवी, यस, ओह सच अ ग्रेट प्लान, वी विल जॉइन यू, पक्का, हमें बताना, हमें भूलना नहीं, बस ठीक है।